एनसीईआरटी के प्रॉब्लम का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। आपको बता दें, इस क्लास में प्रॉमिस किया गया है कि हर एक चैप्टर का, यानी कि आपके इस सॉल्यूशन चैप्टर का हर एक क्वेश्चन टोटल एनसीईआरटी का बनाकर यहां पर समझाने का प्रयास किया जाएगा। पूरा पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा। शुरू हो रहा है एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.5। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दिया जाए। ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W/W है। ग्लूकोज का एक 10% W/W है। विलयन की मोललता इतना ही केवल सुनाकर दो चीज पूछ दिया। पहला, विलयन की मोललता बताइए, और दूसरा, विलयन में प्रत्येक अवयव का मोलांश क्या होगा। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml है तो विलयन की मोलरता क्या होगी। एनसीईआरटी का एक ऐसा क्वेश्चन है जो तीन टॉपिक से क्वेश्चन एक साथ एराइज कर दिया है। पहला मोललता, दूसरा मोलांश, तीसरा मोलरता। तो ध्यान बनाए रखिए आप सभी स्टूडेंट। सबसे पहले 10% W/W ग्लूकोज के घोल का अर्थ बताइए। क्या आप समझ पाते हैं घोल का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है बताइए। सौ अर्थ होता है, अर्थ होता है क्या होता है, 100 ग्राम के घोल में ग्लूकोज का 10 ग्राम स्थित है। आप सभी स्टूडेंट एक बार अपने मन में इसको बोलिए और फिर बताने के लिए तैयार हो जाइए। 10 ग्राम स्थित है। अब आप बताइए, क्या पढ़े, क्या मंथन किए, क्या आपको इस लाइन से डब्ल्यू ए मिल गया, कितना ग्राम, 10 ग्राम खुल्ले का दिया गया द्रव्यमान 10 मिल गया। अब आप ही बताइए घोल का संपूर्ण द्रव्यमान कितना है। तो घोल का द्रव्यमान जब 100 ग्राम है तो आप ही बताइए ये घोल है, घुल है, तो बताइए घोलक क्या होगा, मतलब डब्ल्यू बी क्या होगा। जो स्टूडेंट कम दिमाग वाले हैं जान लीजिए, घुल्ले प्लस घोलक बराबर घोल। तो अगर घुल्ले 10 है, घोल 100 है, 100 ग्राम चीनी पानी का घोल है, तो चीनी पानी के पूरे घोल में चीनी का द्रव्यमान घटेगा तो किसका द्रव्यमान, पानी का। तो पानी का द्रव्यमान निकालने के लिए घोल में से घुल्ले घटाना पड़ेगा, तो 100 में से 10 घट गया, कितना घोलक कौन है जल्दी बताया जाए, पानी। और पानी का यहां पर द्रव्यमान निकल गया देखिए +16, कितना 7-7 घोलक का भी आणविक द्रव्यमान हम निकाल ले रहे तब तो हम कुछ निकालने के लिए सोचेंगे। ठीक है, इतना चीज मात्र एक लाइन से हम निकाले हैं। आगे सब शुरू हो रहा है। सबसे पहले मोललता की गणना, और यहीं पर हम मोललता निकाल दे रहे हैं, बस बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिए। मोललता को छोटा m द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, तो पहला राउंड मोललता की गणना। मोललता की गणना यहां पर हमने हेडिंग दिया मोललता की गणना। मोललता का सूत्र बताने के लिए तैयार हो जाइएगा। मोललता का सूत्र होता है डब्ल्यू ए गुणे बटा गुणे, क्या नहीं है आपके पास, डब्ल्यू ए 10, एम ए 180, 1000 और डब्ल्यू बी 90। हल करेंगे आंसर, कोई दिक्कत क्या, हम इसमें कुछ बताएं, जो भी आप पढ़े हैं पूरा यूज हुआ, मोललता निकल गया। अब मोलांश निकाल लेंगे तो आप लोग को अपने आप पत्थर आएगा कि जरूर हम लोग बना सकते थे, चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते थे। मोल अंश निकालने के लिए हमको मोल चाहिए, सबसे पहले ग्लूकोज का चाहिए। क्या आप ग्लूकोज का मोल अंश, दिया गया भार दिया गया भार 10 और अणु भार, जल का मोल 90 बटा, इसको यहीं पर भाग देकर फाइनल पॉइंट में बताइए जल्दी इसको पूरा,
एक बटा अठारह तो समझ में आ रहा है, पूरा पॉइंट में बताया जाए। सही है, तो दोनों का मूल आ गया। अब यहीं से मूल अंश की गणना, और हमको लग रहा है कि हमारे लिखने से पहले सारा कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलने लगा। मूल अंश की गणना, तो ये कैप्सिटी देता है ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर है, जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और कंप्लीट वीडियो लेक्चर के लिए आप डाउनलोड करें केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर, जहां से लाइव क्लास आपको डायरेक्ट टेलीकास्ट होने जा रहा है। बस कुछ ही दिन का इंतजार है, एक या दो दिन में। जल्दी मूल अंश की गणना स्टार्ट। पहले हम किसका निकाले, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मूल अंश निकाल रहे हैं, तो ग्लूकोज पर ध्यान रहेगा। आप ही बताइए, कुछ भी हम नया नहीं बताए, और क्वेश्चन आपका बनकर तैयार। आंसर बताइए जल्दी से। 0.01 और यहां 5/0.05+। जल्दी से भाग देंगे, आंसर बन गया। तीसरा राउंड क्या निकलना है, मोलर, मोलरता, मोलरता की गणना, मोलरता की गणना। सभी स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, जब पूरा समझ लिए, पूरा अच्छे अच्छे से समझ में आया, तो यहां भी समझ में आ गया। देखिए मोलरता क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में, दिक्कत यह है कि हमको मोलरता निकालना है, और मोलरता के लिए हमको आयतन चाहिए, और पूरे क्वेश्चन में कहीं आयतन नहीं है। तो आयतन के बदले में ध्यान तो दीजिए घनत्व है, और हम लोग पढ़ते आए हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व। देखिए क्वेश्चन में घनत्व दिया है, बताइए क्वेश्चन में कहीं घोल का द्रव्यमान सुने हैं, पूरे आंसर में कहीं द्रव्यमान घोल का द्रव्यमान कहीं सुने हैं, घोल का द्रव्यमान, घोल घोल का पूरा द्रव्यमान देखिए सुने हैं कितना, और घोल का घनत्व है, ठीक है, तो बोलिए 100 घनत्व भी हो गया, आयतन भी हो गया, बल्कि आयतन हो गया, और बाकी सब दिख रहा है। WA का मान कितना ग्राम ग्लूकोज था, बार आयतन उसको हल करेंगे, 10 × 1000 = 1.2/180। तो ये था ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास का कैपेसिटी, जो आपको अच्छे से समझा पाया। आप अच्छे से इसको सॉल्व करिए, और आंसर बनाकर आप 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज करके अब अपना कैपेसिटी दिखाइए। थैंक यू। चलिए अब एक बार शुरू से अंत तक फिर से समझा रहे हैं, बट पर ध्यान दिया जाए, 2 मिनट में पूरा रिफ्रेश। घोल है ग्लूकोज और पानी का, और ये कितना परसेंट का विलयन है, बट पर ध्यान बनाइए आप सभी स्टूडेंट, एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन रिफ्रेश किया जा रहा है। 10% W/W का मतलब बताइए, वेट बाय वेट मतलब सब कुछ ग्राम में, तो 100 ग्राम के घोल में कितना ग्राम, अगर हम इसको मिटा कर भी बाय भी कर दे तो क्या बोलते, 100 ml के घोल में 10 ml स्थित है, और आप W/W के चलते क्या बोल रहे हैं, 100 ग्राम में कितना ग्राम, तो 100 ग्राम में जब 10 ग्राम घुल है तो घोलक कितना, जल्दी से बताइए WA का मान, घोल का संपूर्ण द्रव्यमान, तो 10% W/W घोल का अर्थ है कि 100 ग्राम के घोल में घुल्ले का 10 ग्राम है, तो घोलक हो गया 100 - 10 तो 90, कोई दिक्कत है, और घुल्ले कौन है, ग्लूकोज, अणु भार निकाल लिए, ठीक है, और उसके बाद घोलक, घोलक का द्रव्यमान आप सभी स्टूडेंट देख पा रहे हैं अच्छे से, 1 × 2+16 तो ये हो गया 18, तो ये आपका पूरा अणु भार दोनों का निकल गया। अब आप मोलरता की गणना करना शुरू किए, तो मोलरता की गणना के लिए WA × 1000/mA × WB, WA का मान 10 कहां से आया, घुलने का दिया गया भार, गुणे 1000 बटा में
180 × 90 180 क्या है? घुलने का अणुभार, ग्लूकोज का 90 है जल का, जल का घोलक का मोललता किस चीज में निकलता है? घोलक में निकलता है, ठीक है। फोटो खींचना सख्त बना है, कोई भी स्टूडेंट आज फोटो नहीं खींचेगा, क्योंकि आज आपको ये क्वेश्चन अपने से बनाना है और इस क्लास का कैपेसिटी दिखना है कि वास्तव में आपके दिमाग में हम ट्रांसफर किए कि नहीं। अपने से बना के देखेगा सबको, क्योंकि सबको आप ध्यान दीजिए, दोनों का मोल निकाल लिए, दोनों का मोल निकालने के बाद मोल अंश निकालने चले, और मोल अंश निकालने के बाद देखिए दोनों का यहाँ पर बारी बारी से मोल अंश निकाल दिए। अब आइए बढ़ गए, उसके बाद मोलरता की गणना, मोलरता की गणना के लिए क्या किए? पहले आयतन पर ध्यान दिए, आयतन निकालने के लिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो आयतन बराबर हो गया द्रव्यमान बटा घनत्व, द्रव्यमान घोल का कितना है 100, और ये हो गया आपका घनत्व, क्लियर। और अब उसके बाद हम मोलरता के सूत्र पर ध्यान दिए, हमको क्या चाहिए? डब्ल्यू ए पता है पहले से, 10 × 1000 180 और 100 / 1.2, कोई दिक्कत?